तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जी टेक प्रो हिंदी में। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि मी का कोई भी टीवी खरीदते हो, तो कोई भी सीरीज़ का टीवी खरीदते हो, तो क्या क्या आफ्टर सेल सर्विसेज में दिक्कत आएगी और क्या क्या इश्यूज़ आता है इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, अगर आप एक साल तक यूज़ करते हो और इसको खरीदने के बाद आपको क्या क्या एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा मी टी वी 4A Pro 43 इंच वाला वर्जन है। मैं लगभग इसको एक साल यूज़ कर चुका हूँ और एक साल यूज़ करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या है और क्या क्या इश्यूज़ मेरे को फेस करना पड़ा, मैं ये वीडियो में आपको डिटेल से बताता हूँ। पहले मैं आपको जो सॉफ्टवेयर वर्जन है मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड वर्जन जो है पाए है और इसका सिक्योरिटी पैचेबल अपडेट 5 नवंबर 2019 का है, जो कि बहुत ही ओल्ड है। मेरे को लगता है मई का सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट इन्हें जो है पुश कर देना चाहिए अभी, लेकिन फिर भी जो ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है तभी इनको थोड़ा डेवलपमेंट में इशू हो रहा होगा। ठीक है, तो सही है, इसके रिगार्डिंग मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी इनका सॉफ्टवेयर के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसका सॉफ्टवेयर या यूआई आप कह सकते हैं, इसका यूआई जो है ये इतना भी मतलब क्या हाई लेवल का नहीं है, मतलब जो हाई लेवल के हाई एंड के टीवी के साथ होते हैं, जैसे कि वन प्लस का टीवी हो गया या ऐसा सॉफ्टवेयर ये नहीं है, लेकिन इनका सॉफ्टवेयर या यूआई जो है तो वो स्मूथ है। लेकिन एक साल जब आप यूज़ कर लेते हो तो तब एक साल के बाद आपको थोड़ा सा लैग देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं कभी कभी जो है इसमें यूट्यूब या जो है हॉटस्टार एप्लीकेशन खोलता हूँ, तभी कभी कभी जो है ये ब्लैंक स्क्रीन दिखा देता है, कभी कभी मतलब लोड नहीं हो पाता है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आते हैं। और इसमें कनेक्टिविटी का भी इशू है, मतलब अगर मैं वाईफाई इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ तो कभी कभी वाईफाई जो है कनेक्ट हो रहा है लेकिन नो इंटरनेट दिखा रहा है, नो इंटरनेट एक्सेस दिखा रहा है, कभी कभी यूट्यूब का एप्लीकेशन लोड नहीं हो रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर के मामले में इतना अच्छा नहीं है, एक साल के बाद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। हालाँकि जब मैं नया लिया था तभी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब एक साल हो गया तो इनका जो है मेरे को सॉफ्टवेयर में थोड़ा प्रॉब्लम या इशू जो है देखने को मिला। तो जो सेकंड इशू है वो डिस्प्ले के रिगार्डिंग इशू है। जो डिस्प्ले होता है उसका कलर रिप्रोडक्शन क्वालिटी ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा होता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको ये कॉमनली एक इशू देखने को मिल जाएगा अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं, पिक्चर्स में जाते हैं, उसके बाद डायनेमिक बैकलाइट ऑफ कर देते हैं और ब्राइटनेस फुल कर देते हैं, तो आपको कोई भी ग्रे बैकग्राउंड पे स्क्रीन रीडिंग का इशू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डिवाइसेस जो 30,000 के अंदर है, मैक्सिमम टीवीज जो 30,000 के अंदर है मी का, उनमें आपको मी टीवी 4A Pro 32 इंच या 4 जो कि 4 का जो पुराना सीरीज है, ठीक है, उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने 4A में देखा है, 4A Pro में देखा है, 4A Pro 32 इंच और 43 इंच ये दोनों में देखा है, ये सेम इशू आपको देखने को आपको भी मिल सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सबको ये इशू होगा, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इनका डिस्प्ले का कलर रिप्रोडक्शन इतना अच्छा होता है लेकिन इनका हार्डवेयर क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है। तो प्राइस के हिसाब से तो ठीक ठाक है, लेकिन ये स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू जो है आपको 30,000 के अंदर मी का कोई भी टीवी में जो है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आप बाय करने जा रहे हैं और बाय कर रहे हैं तो ये कॉमन इशू है, ये कोई ऐसा भी इशू नहीं है कि ये अगर ये इशू हो तो बहुत सारे अदर इशूज आ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये डिस्प्ले में एक ही इशू है, वो है स्क्रीन ब्लीडिंग। और अगर थर्ड इशू की बात करूँ तो इनका आफ्टर सेल सर्विस, तो इनका जो आफ्टर सेल सर्विस होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं जब भी ट्राई किया हूँ, मेरा एक्चुअली डिस्प्ले 2 बार जो है रिप्लेस हो चुका है, मतलब रिपेयर हो चुका है, और इसका पीसीबी भी एक बार चेंज हो चुका है, और आप मानेंगे नहीं, इतना होने के बाद भी मेरा टीवी ठीक नहीं हो पाया था, उसके बाद मेरे को टीवी रिप्लेस करके दिया गया था। ठीक है, तो ये दिक्कत मेरे को हुई, जो कि ये कॉमन दिक्कत नहीं है, ये मेरे साथ ही हुआ है। ठीक है, मेरे को टीवी रिप्लेसमेंट करके दिया गया था, जब ये पीसीबी चेंज करने के बाद भी सेम इशू जो है आ रहा था, मल्टीपल टाइम वो इशू जो है आ रहा था। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो भी इशू आया है, लेकिन ये अगर आप इनको रिपोर्ट करते हैं तो नेक्स्ट डे ही ये रेडी हो जाते हैं आपके टीवी रिपेयर करने के लिए, आपके घर को आ जाते हैं विजिट करने के लिए, ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन डिले कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है इनके आफ्टर सेल सर्विस में,
एक बार मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि इनका टेक्नीशियन आया रिपेयर करने के लिए, उनको एक एक्चुअली मेरा डिस्प्ले में एक छोटा सा जो है ब्लैक स्पॉट हो गया था, ठीक है। मेरे को कुछ दिन ही हुआ था, मतलब 3 4 महीने हुआ था ख़रीदने के बाद, इसके डिस्प्ले में एक ब्लैक स्पॉट आ रहा था। तो तभी मैं इन्फॉर्म किया इनके कस्टमर केयर को, और नेक्स्ट डे ही मैं जो है उनका टेक्नीशियन आया मेरे घर पे और देखा, इशू वेरीफाई किया। लेकिन वो मेरे को बोलता है कि हम ये इशू जो होता है इनका फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद हम कंपनी को सेंड करते हैं। कंपनी अगर परमिशन देती है, इसको अलाउ करती है इसको चेंज करने के लिए, ठीक है, जो डिस्प्ले को चेंज करने के लिए या रिजोल्यूशन बताती है, तो ही हम लोग चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये एक मेरे को मेजर इशू देखने को मिला। और उसके बाद भी अगर आपका रिपेयर रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुल हो जाता है, अगर वो टेक्नीशियन बोलता है हाँ मैं रिपेयर कर दूंगा, लेकिन इनका स्पेयर पार्ट्स आने के लिए 15 दिन लग जाते हैं। मेरे सिटी में मैं बोल रहा हूँ, इनका जो सर्विस सेंटर होता है उससे जो टेक्नीशियन आता है, वो मेरे को बोल रहा था कि हमारे पास अभी स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं होता है। जब भी जिसका रिपेयर होने वाला होता है तभी हम लोग स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो ये एक जो है मेरे को एक डिमेरिट लगा। मैं नहीं जानता कि ये सिर्फ मेरे सिटी के सर्विस सेंटर के साथ ही ऐसा हुआ है या नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन शायद से ये इशू जो है आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ये थे कुछ मेजर इश्यूज जो मेरे को एक्चुअली मी टी वी 4a प्रो को 1 साल यूज़ करने के बाद मेरे को पता चला है। तो इसलिए मैं 1 साल इसको टोटली यूज़ करने के बाद ही इसका रिव्यू दे रहा हूँ, मतलब इश्यूज़ का रिव्यू दे रहा हूँ, जो आपको सारे मी टी वी 4a प्रो या 4a या 4 का कोई भी सीरीज 30,000 के अंदर हो उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी टीवी खरीदते हो तो थोड़ा इसमें मेरे ही चैनल पे नहीं, पूरा यूट्यूब है, आप उसमें चेक करके देख सकते हैं किसका क्या रिव्यू रहता है। फिर आपका डिसीजन रहता है कि आपको ख़रीदना है कि नहीं। एट लास्ट आपको ही तो पैसा इन्वेस्ट करना है, तो थोड़ा देख के इन्वेस्ट कीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।